पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर में शिवसेना के जिलाध्यक्ष सर्वेश राणा के नेतृत्व में काला आम पर एकत्रित हुए और आरटीओ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। शिव सैनिकों ने बताया कि आरटीओ ऑफिस पर अवैध वसूली की जा रही है और वहां दलालों का जमघट लगा रहता है। शिव सैनिकों ने ज्ञापन में बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी ट्रांसफर के नाम पर खुलकर अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी कार्य को ऑफिस में ना करके दलालों को सौंप दिया जाता है और मोटा पैसा वसूला जाता है। दूसरी ओर उन्होंने बाइक वोट के नाम से चल रही कंपनी पर कार्यवाही करने की मांग की। उनका कहना है कि भोली भाली जनता को इस कंपनी द्वारा ठगा जा रहा है। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, जो आईटीओ विभाग में फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, वहाँ के आईटीओ और बाबुओं की मिलीभगत से वहाँ के जो दलाल हैं, वहाँ पर जो कमीशन खोरी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, जैसे गाड़ी के ट्रांसफर में है, लाइसेंस में है, बहुत लंबे तरीके से वहाँ पर घूसखोरी चल रही है और लोगों के साथ वहाँ शोषण किया जा रहा है। इस विरोध में हम एक ज्ञापन माननीय डीएम साहब देने जा रहे हैं। अब हमारा दूसरी मांग है बाइक वोट्स की, जो संजय भाटी द्वारा बाइक यहाँ पर लगा रखी हैं, जनता से मोटी कमाई लेकर, मोटे पैसे लेकर और रोड पर जो बाइक चला रखी हैं, उन लोगों को ना तो पैसे मिल पा रहे हैं, उन चलाने वालों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। पूर्व में भी संजय भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सातिर व्यक्ति को खुला छोड़ रखा है, जनता की मोटी कमाई को लेकर वो विदेश वज्ञा कल को, तो कौन जिम्मेदार होगा?